हमारे सरकार ने जितनी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी है उसने कभी नहीं दी किसानों को छः हज़ार रुपया आज मोदी जी देते हैं हम छः हज़ार एक रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस दिया हमने बराबर अभी बिजली के जो उसके जो खेती करते हैं पम्प सेवन पॉइंट फाइव एच पी का पम्प उसका बिजली बिल माफ़ कर दिया है हमने सोयाबीन और कपास को हेक्टर पाँच हज़ार दिया है जो गैप फिलिंग करने के लिए दूसरी बात अभी जब गैप आएगा भाव कम हो गए तो गैप फिल करने का काम हम लोग करेंगे ट्वेंटी परसेंट तक तो ये कर रहे हैं हम लोग किसानों के साथ में आज तक जब बेमौसम मौसमी बारिश आती है नुकसान होता है तो एन डी के नाम को हमने चेंज कर दिए दो हेक्टर के तीन हेक्टर कर दिए ये भी हमने तो किया है पंद्रह हज़ार करोड़ रुपए दो साल में हमने दिया है फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ की स्कीम हमने किसानों को दिए तो ये विपक्ष का जो है उन्होंने जो वायदा किया था कर्ज़ माफ़ करने का और रेगुलर कर्ज रीपेमेंट करने वाले को पचास हजार रुपया इंसेंटिव वो नहीं दिया उन्होंने वो हमने दिया है तो किसानों के पीछे हमारी सरकार पूरी तरह ताकत से खड़ी है हम तो ये सोचते हैं हमारे तिजोरी पे पहला हक हाँ किसानों का है सीएम से लेकिन जब हम ये चुनाव पर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद हुआ जहाँ पर महायुति सीट्स नहीं जीत पाई थी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक क्या कुछ बदल गया कि आपको लग रहा है कि महायुति फिर से जीत सकती क्या चीज़ें बदली हैं पहले तो लोकसभा का चुनाव फेक नेरेटिव पे हो गया संविधान बदलेंगे रिजर्वेशन आदिवासी का जाएगा शेड्यूल खास का रिजर्वेशन जाएगा मुसलमानों को डराया क्रिश्चनों को डराया आदिवासी को डराया सब लोगों को डरा के बोले अगर ये 400 पार आएंगे मोदी जी बैठेंगे तुम्हारा भट्टा खुल हो जाएगा और ये सब करके वो चुनाव लड़े हो और चुनाव लड़े देखिए कितने हमारे कितनी सीटें हैं कम वोटों से हम गिरे तो ये चुनाव जो लोकसभा का है वो फेक नैरेटिव पे गया और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है कौन बदलेगा लेकिन बनाया ना सबको बताया ना सबको अभी ये चुनाव जो स्टेट इलेक्शन है ये तो लोकलाइज है ये लोकल मुद्दे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे है किसानों के मुद्दे है ये लाडली बहना के मुद्दे है ये सब मुद्दे जो है ये इलेक्शन जो है ये लोकल इलेक्शन है ये स्थानिक मुद्दों पर है ये डेवलपमेंट पे है अभी संविधान बदलने का अधिकार हमको है क्या राज्य को रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो हम बदली कर सकते तो ये चुनाव पूरा अलग है और इस चुनाव में आज कौन काम करता है ढाई साल में एम ने क्या काम किया घर में बैठे थे हम लोग तो ढाई साल ढाई साल भी नहीं दो ही साल हो गए हम तो रोड पे घूम रहे हैं किसानों के पास जा रहे हैं उनसे डायलॉग कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं कोई आपदा आती है तो उधर जाते हैं तो ये जो फ़र्क है लोगों में ये काम करने वाली सरकार है इसलिए पूरा नेगेटिव और परसेप्शन जो है ये पूरा इलेक्शन का चेंज है